तो सेकंड पॉइंट हमारा था टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ फोर्सेस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या अगर वहां पे टेस्ट चार्ज रख दें तो फोर्स का डायरेक्शन भी मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। चलिए इसको समझने के लिए हम इलेक्ट्रिक डायपोल के एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि हमने पिछले क्लास में उसको पढ़ चुके हैं तो थोड़ा आसान है उसको समझना। तो बेसिकली अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सेपरेटेड बाय डिस्टेंस टू वेल, डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, बी वेक्टर। और मैं आपसे पूछूं कि जो इक्वेटोरियल पॉइंट पर मैं फील्ड का डायरेक्शन निकालना चाहता हूं, ओके, दो पॉइंट हमने पढ़े थे इक्वेटोरियल एंड एक्सियल। तो यहां पे आपने देखा कि जो फील्ड का डायरेक्शन है वो डायपोल मूवमेंट के अपोजिट होगा, ये इक्वेटोरियल है। और यहां पे या फिर आप इस पॉइंट पर अगर फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे इस पर फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। मान लीजिए इन पॉइंट्स को हम नेम दे लेते हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो सी पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगा फील्ड का वो इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट, ए पर भी जो फील्ड का डायरेक्शन होगा इन द डायरेक्शन ऑफ डायपोल मूवमेंट। ये तीन स्पेसिफिक लोकेशंस का हमने बात की, दो इक्वेटोरियल दो एक्सियल है और एक इक्वेटोरियल है। इक्वेटोरियल पर P जो है वो क्या है, राइट टू लेफ्ट है, जबकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो लेफ्ट टू राइट है। ओके, क्लियर है। अच्छा, अगर यही हमें किसी जनरल पॉइंट पर निकालना होता, मान लीजिए जनरल पॉइंट पर हम फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं, मैग्नीट्यूड भी कर सकते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, डायपोल मोमेंट पी वेक्टर, डिस्टेंस दो चार्जेस के बीच का टू एल। और मान लीजिए ये कोई जनरल पॉइंट, ये भी हम ड्राइव कर चुके हैं डायरेक्शन, तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका फील्ड ऐसे होगा पॉजिटिव चार्ज का, इट इज अवे, और जो नेगेटिव चार्ज है उसका फील्ड जो है वो इस तरीके से होगा। ओके, तो क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज के नजदीक है पॉजिटिव चार्ज से दूर है, तो ये जो नेगेटिव चार्ज का फील्ड होगा वो बड़ा होगा अगर हम इसको E1 वेक्टर ले लेते हैं और इसको E2 वेक्टर ले लेते हैं। तो वी कैन फाइंड आउट द रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो इसी चीज को हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं फील्ड पैटर्न में। फील्ड पैटर्न हम कैसे निकालेंगे, अब देखिए एक काम ये करते हैं, ड्रॉ करते हैं इसका फील्ड पैटर्न। ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, डायपोल है, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो अगर ये सिर्फ पॉजिटिव क्यू चार्ज होता, पॉजिटिव क्यू चार्ज होता तो इसका जो फील्ड पैटर्न है वो स्ट्रेट लाइन आपको मालूम है गोइंग टू इंफिनिटी। अच्छा, ये जो फील्ड पैटर्न हमने जो बनाया पॉजिटिव या नेगेटिव चार्जेस के लिए, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं इट्स अ फील्ड पैटर्न ड्यू टू एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज या लाइन ऑफ फोर्सेस, लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आइसोलेटेड पॉजिटिव, आइसोलेटेड मतलब इसके नजदीक में कोई दूसरा चार्ज नहीं है। लेकिन ऑब्वियस है कि अगर मैं इसके नजदीक में एक दूसरा चार्ज ले आऊं माइनस क्यू, क्योंकि तभी ये डायपोल की फॉर्मेशन बनेगी, तो ये जो माइनस क्यू है वो इसकी फील्ड इस ओरिजिनल फील्ड को डिस्टर्ब करेगी। तो ये बात क्लियर हो जाती है माइंड में कि फील्ड पैटर्न जो डायपोल का है वो ऐसा नहीं होगा, इससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। चलिए कैसे डिफरेंट होगा वो देखते हैं, ये मैं रफ कर देता हूं। देखिए तो मान लीजिए अगर ये आइसोलेटेड चार्ज होता तो ये फील्ड लाइन ऐसे इंफिनिटी तक जाती,
लेकिन इस माइनस क्यू चार्ज की टेंडेंसी है इसको अट्रैक्ट करने की, इस चार्ज को अट्रैक्ट करने की, या आप ये कह सकते हैं क्योंकि जब ये माइनस चार्ज यहां पर है तो ये जो लाइन है वो ऐसे नहीं जा सकती, उसको यहां पे टर्मिनेट होना पड़ेगा, तो जो फील्ड लाइन है वो इस तरीके से हो जाएगी। जो मान लीजिए क्यू से एक लाइन निकली वो प्लस क्यू से जो लाइन ऑरिजिनेट हुई वो माइनस क्यू पे जाके क्या हो गई, टर्मिनेट हो गई। इसी तरीके से एक दूसरी लाइन क्यू से निकली यहां पे टर्मिनेट हो गई, यहां से निकली यहां पे टर्मिनेट हो गई, ये टर्मिनेट हो गई पॉजिटिव से निकली नेगेटिव पे टर्मिनेट, पॉजिटिव फील्ड लाइंस नेगेटिव पे टर्मिनेट। देखिए सबसे पहली बात, द मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस क्यू चार्ज एंड निगेटिव क्यू चार्ज आर इक्वल, ठीक है, सिर्फ इनका नेचर का फर्क है। आप ये नहीं कह सकते कि प्लस क्यू बड़ा है या माइनस क्यू बड़ा है, ये दोनों ही इक्वल है, एक पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसलिए वो नेगेटिव चार्ज है, एक ऑब्जेक्ट है, एक के ऊपर इलेक्ट्रॉन की स्केर्सिटी है तो वो पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो इनसे बराबर लाइंस निकलनी चाहिए या टर्मिनेट होनी चाहिए। तो एक बात बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए कि जितनी लाइंस में प्लस क्यू से डाइवर्ज करूंगा या ऑरिजिनेट करूंगा या स्टार्ट करूंगा उतनी ही लाइंस मुझे यहां पे टर्मिनेट करनी पड़ेगी। तो लेट्स काउंट प्लस क्यू से क्या क्या लाइंस निकलनी है, एक ये वाली है, दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह 40 लाइंस। आप देखिए वहां पे भी काउंट ये बैठेगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व 13, 14, यानी कि 14 लाइंस इससे ऑरिजिनेट हो रही है और 14 लाइंस ही इसमें टर्मिनेट हो रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम है, उनका नेचर डिफरेंट है सिर्फ। अच्छा, ये लाइंस की टेंडेंसी प्लस क्यू की वजह से ऐसे सीधे जाने की थी लेकिन अट्रैक्शन की वजह से ये टर्मिनेट होगी, क्योंकि हमने पढ़ा पॉजिटिव से ऑरिजिनेट होती है, निगेटिव पे टर्मिनेट होती है और वो कंटिन्यूअस कर्व होती है, आप कहीं पे ब्रेक नहीं देखेंगे यहाँ पे। ओके, अब ये जो लाइंस है ये आपको लग रहा है ये ब्रेक है, लेकिन ये ब्रेक है नहीं, बेसिकली ये लाइंस ऐसे मेक होनी है, लेकिन हर लाइन को हम ऐसे कंबाइन करके शो नहीं करते, तो ये कंटिन्यूअस कर रही है। आप ये मत सोचिए कि यहाँ पे लाइंस ब्रेक हो रही है, ब्रेक नहीं हो रही है, ये कंटिन्यूअस कर रही है, जो भी लाइंस निकल रही है वो इस तरीके से घूमकर वापस आएगी। तो ये कुछ कुछ पैटर्न मैच करता है मैग्नेटिक बार मैग्नेट का, जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न आपने पढ़ा क्लास 10th में, जैसे बार मैग्नेट का अगर आप फील्ड पैटर्न बनाएंगे तो देखिए ये एक बार मैग्नेट ले लेते हैं नॉर्थ साउथ, क्योंकि ये जो बार मैग्नेट है वो मैग्नेटिक डायपोल होता है, तो फील्ड लाइंस नॉर्थ से ऑरिजिनेट होंगी, साउथ में टर्मिनेट होंगी और ये अंदर भी जाते हैं। तो इस फील्ड लाइन और इस फील्ड लाइन में एक फर्क है, देखो ये नॉर्थ से स्टार्ट हो रही है तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये साउथ में टर्मिनेट हो रही है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है वो कंटिन्यूअस कर रहे हैं, यानी कि वो यहाँ पे साउथ टू नॉर्थ जा रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा, देखो ये लाइन पॉजिटिव से आई, पॉजिटिव से नेगेटिव की, ये ऐसे वापस घूम के नहीं जा रही, अदरवाइज क्या हो जाएगा कि फील्ड लाइन्स नेगेटिव से ऑरिजिनेट होगी और पॉजिटिव में जाके टर्मिनेट हो जाएगी, तो वो रूल के अगेंस्ट हो जाएगा। इसलिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाती, ठीक है, They do not form closed loop. Okay, तो closed loop नहीं बनेगी, positive से start होगी, negative पे terminate होगी। हमने ये जो field pattern बनाया वो हमारा main concern था कि जो tangent अगर हम किसी भी point पर बना दे तो उस पे हमें उस point पर electric field का direction पता चल जाएगा। तो देखिए जो पिछला वाला diagram मैंने इस topic में इस point के लिए बनाया था उसको आप एक बार देख लीजिए, फिर हम वो तो हमने
फील्ड के कॉन्सेप्ट से निकालते हैं, हम फील्ड लाइंस के कॉन्सेप्ट से डायरेक्शन कंफर्म करेंगे कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनेट एट निगेटिव, ये हो गया ये आउटवर्ड ये इनवर्ड, इनवर्ड आएंगे यहां पे फील्ड लाइंस, काउंट इक्वल होना चाहिए फील्ड लाइंस का। ओके तो ये इक्वेटोरियल पॉइंट है। ओके तो डायपोल का मूवमेंट का डायरेक्शन ये। अब इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, तो मैं यहां पर टेंजेंट बनाऊंगा, तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बात मैच कर गई कि इक्वेटोरियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो अपोजिट टू द डायपोल मूवमेंट होता है, अपोजिट टू द डायपोल। डायपोल मूवमेंट देखिए राइट टू लेफ्ट है, जबकि फील्ड जो है वो लेफ्ट टू राइट है। अच्छा ये वाला जो पॉइंट है ये एक्सियल पॉइंट है, हमने मार्क किया था, मैं वही पॉइंट मार्क कर रहा हूं, सी, और ये बी था, तो बी पे आपको फील्ड पता चल गया। ए पर जो फील्ड है वो इनवर्ड जा रही है, नेगेटिव चार्ज में इनवर्ड होगी, तो देखिए ये जो फील्ड है ए पर वो डायपोल के डायरेक्शन में होगी, ये बी पे फील्ड थी। इसी तरीके से सी पे जो फील्ड होगी वो इस तरीके से हो जाएगी, सी पे फील्ड। ओके टेंजेंट बना रहा हूं मैंने, इस कर्व का टेंजेंट बनाया। अच्छा इसके अलावा किसी जनरल पॉइंट पर टेंजेंट बनाओ तो इस पॉइंट पर जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ये होगा, इस पॉइंट पर जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ये होगा, इस पॉइंट पर जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो ये होगा। यानी कि जब भी आपको फील्ड का डायरेक्शन चाहिए तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पे चाहिए वहां पे टेंजेंट, यहां पे फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, यहां पे फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा, इस पॉइंट पर फील्ड का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो यू कैन ड्रॉ दी टेंजेंट जहां पे आपको फील्ड का डायरेक्शन पता करना होता है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट पर डायरेक्शन देता है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं, थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए थर्ड पॉइंट। टू इलेक्ट्रिक लाइन, टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, lines of force never cross each other, never cross each other, वो एक दूसरे को कभी cross या intersect नहीं करते, because if they do so, if they do so, then at the point of intersection, point of intersection, electric field intensity will have two directions which is observed. Okay. So two electric field lines here, two lines of forces never intersect and never cross each other. ये काफी important point है, चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए दो field lines हैं, एक field lines हमने इस
तरीके से ड्रॉ कर ली एक फील्ड लाइन इस तरीके से, अब ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करना चाहता हूँ। तो अभी जो हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज द टेंजेंट टू दी, तो यहाँ पे दो टेंजेंट बन सकते हैं, एक तो ये टेंजेंट बनेगी, मान लो ये ए पॉइंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए और इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए। अब आप ही बताइए कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए है या ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए है, क्या ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल है? नहीं, इक्वल नहीं है, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड तो हो सकता है बराबर हो लेकिन इनके डायरेक्शन अलग अलग हो गए, और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन भी एक ही होना चाहिए और एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि मैग्नीट्यूड तो है ठीक है और जो है डायरेक्शन उसका जो है अलग अलग हो गया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए पॉइंट पर डायरेक्शन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो कुछ लोग बोलेंगे ये होना चाहिए, कुछ लोग बोलेंगे ये होना चाहिए, तो कंफ्यूजन आ गया ना कि एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन कैसे पॉसिबल है। इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, अदरवाइज वहां पे क्या हो जाएंगे, टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लग जाएंगे। बात आई समझ में? इससे रिलेटेड एक पॉइंट और है, वो पॉइंट है कि मान लीजिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर रही लेकिन उनके बीच का जो गैप है वो जीरो हो गया, उनके बीच में गैप नहीं रहा, वो एक दूसरे को टच करते हुए निकल गए, तो यहां पे आई कैन ड्रॉ अ कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट तो बनाई जा सकती है इस दो कर्व के लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, या लाइन ऑफ फोर्सेस है। तो क्या यहां पर क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, ये तो गलत है, ठीक है। क्या ऐसी सिचुएशन कहीं पॉसिबल होगी? सोच के बताइए, डायरेक्शन अब एक हो गए, कोई दिक्कत नहीं, यहां डायरेक्शन की दिक्कत थी कि दो डायरेक्शन हो रहे हैं तो पॉसिबल नहीं है। अब यहां तो डायरेक्शन एक यूनिक डायरेक्शन हो गया, तो क्या इस तरीके की पॉसिबल है कि दो फील्ड लाइंस एक दूसरे को टच करते हैं और उनकी कॉमन टेंजेंट बन जाए? ऐसा भी पॉसिबल नहीं, उसका रीजन है देखिए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे आपके साथ डिस्कशन किया कि अगर हम किसी चार्ज की फील्ड लाइंस बना रहे थे ये मैंने फील्ड लाइंस और आपको मैंने दो पॉइंट दिए थे ए और बी, मैंने आपसे पूछा कि ए पर फील्ड ज्यादा होगी या बी पर फील्ड ज्यादा होगी, तो कुछ लोग इसको बताएंगे कि ए पॉइंट क्यू के नजदीक है तो ए पे फील्ड ज्यादा होगी बी पे फील्ड कम होगी, ये भी अप्रोच ठीक है। कुछ लोग इसको बताएंगे कि ए पर जो है वो ज्यादा फील्ड लाइन्स जो फील्ड लाइन्स है वो क्लोजर है, ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा नजदीक है तो वहां पर स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रांग होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी और यहाँ पे इंटेंसिटी कम होगी। एरिया में से जो मैंने यूनिट एरिया कंसीडर किया इसमें से ज्यादा लाइंस क्रॉस हो रही है, दो लाइन क्रॉस हो रही है, यहाँ पे एक लाइन क्रॉस हो रही है, तो ए पर स्ट्रेंथ ज्यादा है और बी पे स्ट्रेंथ कम है, या ए पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा है और बी पे कम है। अब अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को टच कर दे तो उनके बीच में गैप क्या हो गया? जीरो। और जब उनके बीच में गैप जीरो हो गया तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो टेंड्स टू इंफिनिटी। क्या किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है? नहीं हो सकती, इसलिए ये वाली सिचुएशन भी वैलिड नहीं होगी, यानी कि अगर इस तरीके की आपको सिचुएशन कहीं भी देखने को मिलती है तो वो पैटर्न रॉन्ग होगा। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी में एक प्रॉब्लम है जहां पे डिफरेंट फील्ड पैटर्न ड्रॉ कर रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि कौन सा फील्ड पैटर्न करेक्ट है और कौन सा फील्ड पैटर्न इनकरेक्ट है, तो वो जो करेक्ट और इनकरेक्ट आप डिसाइड करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज अगर आपको याद है तो आप बहुत इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पैटर्न रॉन्ग है और कौन सा पैटर्न करेक्ट है। नो डाउट हम इसके बाद वो प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं, पॉइंट नंबर फोर। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ओके, डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप्स एज
a lie can never start, can never start and end at the same charge, at the same charge. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाते, जैसे अभी हमने डायपोल में देखा कि ये आपको लगेगा कि ये क्लोज लूप है लेकिन क्लोज लूप नहीं है, जैसे ये फील्ड लाइंस इस तरीके से, तो अगर ये क्लोज लूप था तो फील्ड लाइंस को ऐसे वापस आना चाहिए, तो तभी तो क्लोज लूप हुआ, फील्ड लाइन ऐसे गई यहां से यहां आ गई। तो यहां इसको दो तरीके से समझा जा सकता है, पहला तरीका जो यहां लिखा हुआ है कि एक ही चार्ज से फील्ड लाइंस ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं हो सकती। अब यहां पे देखें कि ये तो ऊपर वाली फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव से ओरिजिनेट हो रही है और पॉजिटिव पे ही आके टर्मिनेट हो रही है, जो कि गलत है। ठीक है, या इसको दूसरे तरीके से आप कुछ बुक्स में देखेंगे, इसको ऐसे भी एक्सप्लेन किया जा सकता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पॉजिटिव से तो ओरिजिनेट होती है और निगेटिव पे टर्मिनेट होती है, तो ये फील्ड लाइन्स तो सही है। अच्छा, इस फील्ड लाइन को देखें तो ये नेगेटिव से ओरिजिनेट हो रही है और पॉजिटिव पे टर्मिनेट हो रही है, तो ये फील्ड लाइन गलत है। तो जब अब ये फील्ड लाइन गलत हो गई तो ये क्लोज लूप कंप्लीट नहीं हो सकता। तो एक्चुअल पैटर्न आपको मालूम है, एक्चुअल पैटर्न कैसा बनता है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है। ठीक है, प्लस क्यू से स्टार्ट होगा, निगेटिव पे टर्मिनेट होगी, प्लस क्यू से स्टार्ट होगी, निगेटिव पे टर्मिनेट होगी। जो भी मैं लाइन बना रहा हूँ वो आप देख पा रहे हैं कि मैं पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहा हूँ, निगेटिव पे टर्मिनेट कर रहा हूँ, पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहा हूँ, निगेटिव पे टर्मिनेट कर रहा हूँ, स्टार्ट हो रही है पॉजिटिव से, टर्मिनेट हो रही है निगेटिव पे। जो लाइन्स टर्मिनेट नहीं हो पा रही है इसका मतलब ये नहीं है कि वो टर्मिनेट नहीं होगी, हाँ वो पूरा पैटर्न ड्रॉ नहीं करते, तो वो टर्मिनेट हो रही है, तभी तो हम इधर भी ये लाइन्स बना रहे हैं, तो ये यहाँ पे टर्मिनेट हो रही है हमारी फील्ड लाइन्स। ओके, तो पॉजिटिव से स्टार्ट होंगे और निगेटिव पे टर्मिनेट होंगे, तो डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप। ओके, यहां से पॉजिटिव से स्टार्ट होंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ नहीं जा सकते, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर काफी सारे फील्ड पैटर्न से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, लाइन ऑफ फोर्सेस द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर। द इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor is always zero. Conductor is always zero. Inside the conductor is always zero. ये पॉइंट समझना जरूरी है। सबसे पहले तो आप बात समझे कि कंडक्टर जो होते हैं उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो कंडक्टर होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, को इजिली मूव कर सकते हैं थ्रू आउट दी कंडक्टर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो मान लीजिए एक फील्ड है कंडक्टर है, या हमने एक कंडक्टर चूज किया। ओके, इस कंडक्टर को अगर हम किसी एक्सटर्नल फील्ड, मान लीजिए यहां पे एक एक्सटर्नल फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम इसको E1 लिख देते हैं। ओके, और
इसके अंदर हमने ये कंडक्टर प्लेस कर दिया इस एक्सटर्नल फील्ड के अंदर कंडक्टर। अब होगा क्या कि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज है पी, तो उस पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो ये होगा। या इसको ऐसे समझते हैं कि ये क्यू चार्ज है और इसकी फील्ड ये है, और अगर मैंने यहां पे कोई टेस्ट चार्ज रखा क्यू नॉट तो इस पे फोर्स इधर लगेगी क्यू इंटू ई। लेकिन अगर यही सिचुएशन मैं रीड्रॉ करूं और ये फील्ड है और यहां पे मैंने रख दिया माइनस क्यू चार्ज, तो आपको मालूम है ये माइनस क्यू चार्ज इस प्लस क्यू से अट्रैक्ट होगा। तो पिछले वाले केस में क्या था कि फील्ड का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन सेम था, बट इस केस में क्या होगा, फील्ड का डायरेक्शन तो इधर है बट फोर्स का डायरेक्शन इसका अपोजिट है, तो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा माइनस क्यू ई। ये माइनस साइन यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है कि फोर्स जो है वो इस नेगेटिव चार्ज का अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। अब यहां पे देखिए जो फील्ड का डायरेक्शन है कंडक्टर के अंदर होगा क्या, इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन है, ये फील्ड का डायरेक्शन है, तो आप बताइए इस इलेक्ट्रॉन की फोर्स किधर रहेगी, टूवर्ड्स राइट या टूवर्ड्स लेफ्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये वाली सिचुएशन यहां पर एप्लीकेबल हो जाएगी, ये वाली सिचुएशन यानी कि जो इस पे फोर्स है वो इधर लगेगी एंड इट विल बी माइनस, ये इवन है माइनस ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। इसकी वजह से होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेंगे, ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे, और इस ड्रिफ्टिंग की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस सरफेस पे आके इकट्ठे हो जाएंगे, यानी कि ये सरफेस पे जो चार्ज है वो नेगेटिव आ जाएगा और इस सरफेस पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अब इस कंडक्टर के अंदर दो फील्ड होंगी, ई वन वेक्टर जो कि बाहर की वजह से एक्सटर्नल फील्ड है जो हमने अप्लाई की, और एक फील्ड इस चार्ज सेपरेशन की वजह से ई टू वेक्टर, क्योंकि फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो अगर मैं इस कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो वो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई1 माइनस ई2 अपोजिट डायरेक्शन में है तो सेपरेट होना चाहिए। अब क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात कर रहे हैं और इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि चार्ज मस्ट एट रेस्ट, जो भी चार्ज है वो रेस्ट में होना चाहिए, मूवमेंट नहीं होना चाहिए। तो अभी जैसे मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे, तो ये कब तक ड्रिफ्ट करेंगे, जब तक यहां पर नेट फील्ड रहेगी। एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये E1 तो फिक्स है और ये जो E2 जो है वो इस चार्ज एक्यूमुलेशन की वजह से ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा फील्ड होगी। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि ये E2 E1 को कैंसिल आउट कर देगी और नेट फील्ड जो है वो जीरो हो जाएगी कंडक्टर के अंदर, E1 इज इक्वल टू E2 के बराबर हो जाएगा, तो नेट फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो हो जाएगी। ये सिचुएशन आपको इस पॉइंट में बताई गई, यानी कि ये पूरा एक्सप्लेन ना करके एक सीधा सीधा पॉइंट बताया गया, द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस डू नॉट पास थ्रू द कंडक्टर, ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर क्या हो गया, जीरो। यानी कि अगर मैं इसको सम अप करूं, इस सिचुएशन को अगर मैं सम अप करूं और मैंने कहा कि हम नेट फील्ड अंदर तो जीरो है तो वहां पे फील्ड लाइंस भी नहीं होनी चाहिए, जहां पे फील्ड जीरो वहां पे फील्ड लाइंस भी नहीं होंगी, तो जो नेक्स्ट इसका कंक्लूजन करके जो डायग्राम हम बना पाएंगे वो इस तरीके का डायग्राम होगा कि ये एक्सटर्नल फील्ड है, दिस इज E1 एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके अंदर जो फील्ड है वो जीरो है, तो
तो इसके अंदर नो फील्ड लाइंस, नो फील्ड लाइंस, इसके अंदर हम फील्ड लाइंस नहीं ड्रॉ करेंगे। तो जो ओवरऑल सिचुएशन है, हम पूरी सिचुएशन का जो समरी करेंगे वो इस तरीके से करेंगे कि फील्ड लाइंस बाहर तो एग्जिस्ट करेंगे लेकिन कंडक्टर के अंदर जीरो हो जाएंगी, कंडक्टर के अंदर फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। नो डाउट करिए इसको। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं जो कंडक्टर से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्टार्ट और एंड नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, नॉर्मली ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक, इस पॉइंट को हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस the use of the electric lines of force is that we can compare the intensities intensities at two points just by looking at the distribution of the lines of force, where the field lines are close together, E is large, and where they are far apart, the field is small. Means electric field intensity will be small. Okay, so these are the properties of electric field lines. Okay, ye wali jo property hai, the use of electric field lines force is that to compare the intensities. To ye hum already discuss kar chuke hain starting mein कि एक चार्ज है, पॉइंट चार्ज, आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो दो पॉइंट हमने चूज किए, ए और बी। तो ए पर फील्ड ज्यादा, बी पे फील्ड कम। कैसे? कि हमने एक यूनिट एरिया कंसीडर किया, यहां पे भी यूनिट एरिया। तो ए से ज्यादा लाइंस पास हो रही है उस यूनिट एरिया से, यानी कि लाइंस क्लोजर है यहां पे, तो यहाँ पे फील्ड डिस्टेंस ज्यादा होगी, इंटेंसिटी ज्यादा होगी और यहाँ पे कम होगी। तो हम फील्ड पैटर्न को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कहाँ पे फील्ड ज्यादा होगी और कहाँ पे फील्ड कम होगी। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो हमारा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न, यानी कि डिफरेंट चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न क्या होता है और उससे रिलेटेड किस किस तरीके की कंसेप्चुअल प्रॉब्लम होते हैं वो हम डिस्कस